दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है 10 ऐसे फूड्स के बारे में जो हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। आयुर्वेदा फर्टिलिटी को इन डेप्थ यानी कि गहराई से समझाता है। हमारा आयुर्वेदा कहता है कि 3 बेसिक बायोलॉजिकल एनर्जी होती हैं, यानी कि वात, पित्त और कफ, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बैलेंस्ड रखने में हेल्प करती हैं, जिससे हमारी फर्टिलिटी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। इन 3 एनर्जी में से भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया गया है वो दिया गया है पित्ता एनर्जी को, क्योंकि ये पित्ता एनर्जी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेवल पे हार्मोन को बैलेंस करने का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती है। फर्टिलिटी के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वो हैं, जैसे कि ओविलेशन टाइम पे होना, एंडोमेट्रियम बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट होना, एंडोमेट्रियम लेवल पे कोई इन्फ्लामेशन न होना, ऐसी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो कि पित्ता एनर्जी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेवल पे बेहतरीन करने का काम करती हैं। अब कुछ ऐसे फूड्स बताए गए हैं जो कि पित्ता एनर्जी को बैलेंस रखने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आता है पपीता यानी पपाया। ये क्या करता है कि ओवरी में हमारे फंक्शन को नॉर्मल करने का काम करता है। सेकंड नंबर पे आता है एलोवेरा। ये क्या करता है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। थर्ड नंबर पे आता है ऑरेंज। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह क्या करता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेवल पे अगर किसी भी प्रकार का डैमेज है तो उसको रिपेयर करने का काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। फोर्थ नंबर पे आता है मेथी और हींग। मेथी हमारी एग को प्रॉपरली मैच्योर करने का काम करती है और हींग टाइमली ओवुलेशन हो उसको प्रॉपर करती है। फिफ्थ नंबर पे आता है जीरा। यूट्रस के अंदर जो हमारी लाइनिंग होती है यानी कि एंडोमेट्रियम, उसकी क्वालिटी अच्छी तरीके से बनाए रखने का ये काम करता है। इम्प्लांटेशन के लिए ये जरूरी होता है कि हमारी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो बहुत ही हेल्दी हो, एंडोमेट्रियम लेवल पे कोई भी इंफ्लामेशन न हो। ये हमारी इंफ्लामेशन को दूर करके उसको इम्प्लांटेशन को नॉर्मल करने का काम करता है। सिक्स्थ नंबर पर आता है नाचिनी, या फिर जिसको हम रागी नाम से भी जानते हैं। नाचिनी में ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। नाचिनी का एक बहुत ही बड़ा फायदा ये भी है कि नाचिनी जो है यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को यानी एंडोमेट्रियम को बहुत ही न्यूट्रिशियस बनाती है, जिसकी वजह से जो ये एम्ब्रियो है जो वहाँ इम्प्लांट होने वाला है उसको इनिशियल स्टेज में बेहतरीन तरीके का न्यूट्रिशन मिलता रहता है। फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ओवरऑल बेहतरीन तरीके का न्यूट्रिशन मिल सके, जिसके लिए हमारी डाइट में मूंग दाल का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि पचने में बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको इस तरीके का प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है और फर्टिलिटी के हर स्टेप पे काम करता है। नेक्स्ट फूड आता है तिल। तिल को ओवरऑल आयुर्वेदा में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है, खास करके जब वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है तो तिल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। काला तिल बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट फूड आता है गुड़। गुड़ हमारे पित्त को बैलेंस करने का काम करता है, लेकिन इसको हमें नॉर्मल अमाउंट में ही लेना है। लेकिन याद रखें कि जो गुड़ आप ले रहे हैं वो काला गुड़ ही ले। ये सारे फूड्स जो हैं आपकी फर्टिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं और उनको अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ ही अगर आप पुत्र जीवक, शिवलिंगी, अशोका जैसे हर्ब्स भी लेते हैं तो ये आपको नेचुरली कंसीव कराने में आपकी बहुत ही हेल्प करते हैं। ओके, थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.